अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जी माँ, ये दुर्बल से तो क्या देखता रहता है? ला मैं भी देखती हूँ। माँ वो तारे देख रहा था। तारे देख रहा था दिन में? हाँ मुझे दिख रहे इसमें। अच्छा ला मैं भी देखती देना। मुझे एक बना रहा है माँ को, आज तेरा रिजल्ट है ना, उसकी कोई फिक्र है तुझे? नहीं ना मम्मी, खोल के मेरी बात सुन। इस बार तेरा रिजल्ट खराब आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, टेंशन ना लो प्लीज। कान छोड़ दो, यही बेहतर है। कान छोड़ दो, दिन में तारे देख रहा है। चल जल्दी तैयार हो जा। हाँ यार, मम्मी के चक्कर में ठीक से देख भी नहीं पाया मैं। अरे यार कहाँ चली गई अब? लेकिन कोई बात नहीं बरखुरदार, वो एक दिन खुद चल कर आएगी। मिस श्वेता जी, हाँ बस बस बस, अभी दो मिनट का ब्रेक लेते फिर वापस शुरू करते हैं। वो देखो हमारी नई पड़ोसन मिस श्वेता। मिस शादीशुदा नहीं है क्या? शादीशुदा नहीं है फिर भी कितनी फिट एंड फाइन है ना। बिना शादी और बिना गृहस्थी के रहेगी तो अपने फिगर पे तो फोकस करेगी ना। हमारी तरह गृहस्थी का टेंशन थोड़ी रहा है उसको, अभी तो और टेंशन बच्चों के रिजल्ट का। अरे रेखा, तेरे बेटे का रिजल्ट का क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरा बेटा ना बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसकी। क्यों, वरुण का रिजल्ट फिर से खराब आया है क्या? और नहीं तो क्या, पता नहीं क्या करता रहता है पूरा दिन। कैसे समझाऊं उसे कि पढ़ाई पे फोकस कर। एक काम करो, वो मिस श्वेता है ना, वो कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन लेती है अपने घर पे, उनके यहाँ वरुण को डाल दीजिए आप। बिल्कुल सही बात की है तुमने, घर पे तो कोई पढ़ाई करता नहीं है, शायद ट्यूशन करके ही कुछ सीख ले। हाँ पर मुझे टेंशन हो रही है कि उसे ट्यूशन के लिए मनाऊ कैसे, वो मानेगा भी या नहीं। मम्मी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मतलब मुझे ट्यूशन ज्वाइन नहीं करना, कॉलेज में पढ़ो घर पर पढ़ो, अब ट्यूशन मुझे ज्वाइन नहीं करना। नहीं एक बार उस ट्यूशन टीचर से मिल तो ले बेटा। हाँ देख मधु कह रही थी कि बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, प्लीज बेटा एक बार मिल ले उनसे। नहीं मुझे ज्वाइन करना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे। अरे वो आ गई है, प्लीज ध्यान से बात करना बेटा। हाँ Thank you.
देखो तो कौन आया है। आइए ना, आइए। ये है मिस श्वेता, इन्हीं के बारे में बात कर रही थी मैं। हाय वरुण। थर्ड ईयर राइट? तो कल से आ रहे हो ना मेरे घर ट्यूशन पढ़ने के लिए, शाम को 5 बजे शार्प, ओके? अच्छा रेखा जी, अब मैं चलती हूँ। जी नमस्ते, आइए मैं छोड़ देती हूँ। बाय, सी यू। अच्छे से पढ़ाएगा रिश्वता जी। नमस्ते, कल से आ जाएगा पक्का। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है आपकी तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। बुक्स दिखाओ अपनी बुक्स। Show me other one, दूसरी बुक। वरुण, आज जो 2 चैप्टर्स मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, कल अच्छे से याद करके आना। ओके। लो। मैम, आपको कल मेरे घर आना होगा। क्यों? क्योंकि कल मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। अच्छा ऐसा भी क्या खास दिन है कि मुझे तुम्हारे घर आना। एक मिनट रेखा जी, हमारी मॉम का फोन है। जी रेखा जी। श्वेता जी, कल आपको हमारे घर आना होगा। क्यों? कल मेरे बेटे वरुण का बर्थडे है, कल आपको जरूर आना है बिना भूले, प्लीज आइएगा। अच्छा तो कल का खास दिन तुम्हारा बर्थडे है। अब तो मुझे जरूर आना पड़ेगा। After all, we are friends. Hmm?
यार वरुण चलना यार केक काट। हाँ यार वरुण तुम केक क्यों नहीं कट कर रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ, किसी का इंतजार है मुझे। और कोई गेस्ट आना बाकी है क्या? हाँ कोई खास। वरुण चलो बेटा केक काटो, सबको लेट हो जाएगा ना। हाँ माँ। मुझे तो लगा था आप आ ही नहीं पाओगे। आपने बुलाया तो कैसे नहीं आती। थैंक यू। चलो बेटा अब केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वरुण, हैप्पी बर्थडे टू यू। श्वेता मैम आइए, ये मेरा रूम है। वाओ नाइस रूम वरुण। क्या हुआ? केक लगा तुम्हारे फेस पे। रुको रुको मैं साफ कर देती हूँ। Thank you. I'm so sorry, वरुण, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाई। Seriously, I'm sorry. कोई बात नहीं है, but एक चीज़ है जो आप मुझे गिफ्ट में दे सकती हैं। वो क्या? वरुण क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है, ये स्टूडेंट हो तुम मेरे। So what, man? मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वरुण समझने की कोशिश तुम करो, ये गलत है। तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, ये नहीं हो सकता वरुण। ये प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, प्यार में सिर्फ प्यार किया जाता है। श्वेता जी आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। एक बार जो मैंने आपका हाथ थामा है ना, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। श्वेता जी आप प्लीज मानिए, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू श्वेता। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा था? हाँ नहीं आती माँ, शर्म नहीं आती है? ट्यूशन के लिए भेजा था तुम्हारे पास, अरे घिनौनी हरकतें करने के लिए नहीं। अरे बेशर्म औरत, अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। देख मैं कह देती हूँ, आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। मेरे घर से निकल, निकल यहाँ से। मुझे क्या बकवास है, अब श्वेता से ऐसे बात नहीं कर सकती। वो अधेड़ उम्र की औरत श्वेता जी से श्वेता हो गई, और क्या क्या पट्टी पढ़ाई है तुझे? मुझे कुछ भी पट्टी नहीं पढ़ाई। लिसन टू मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। प्यार करते हैं मुझे देखिए अपनी, हाँ उसके मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, प्यार करता है। समझ में भी आता है तो क्या बोल रहा है? हाँ खबरदार
खबरदार जो उस औरत के आसपास भी नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे नहीं रोक सकती श्वेता से मिलने से। रोक सकती नहीं, रोक रही हूँ, समझा? और याद रख, ये घर मेरा है और इस घर में मेरे हिसाब से ही रहना होगा तुझे। मैं, आप मानो या ना मानो, पर मैं श्वेता को खुद से दूर होने नहीं दूंगा। मैं श्वेता को अपना बनाकर ही मानूंगा, आप देख लेना। आपकी बहू, हमने आज शादी कर ली। बकवास बंद कर, मैं नहीं मानती इस अधेड़ उम्र की औरत को अपनी बहू। लेकिन माँ, हमने शादी। खबरदार तो इस घर में पैर रखा तो। और तू, तुझे मैंने कल रात को ही कहा था ना कि मेरे बेटे से दूर रहना। कहा था कि नहीं? चल निकल यहाँ से। माँ, वो समझ कर बोलो, अगर श्वेता इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो ठीक है, इसे तो मैं अपने घर में रखूंगी नहीं। तो तू भी इस घर से चला जा, चल जा यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, वापस नहीं आऊंगा मैं, ठीक है? चलो श्वेता। क्या कर रहे हो वरुण? माँ है वो तुम्हारी, हक बनता है उनका तुम्हें डांटने का। और अपनी माँ की बात का ऐसे कौन बुरा मानता? वरुण, इनका हमसे नाराज होना बिल्कुल जायज है। इनकी मर्जी के बिना शादी की है हमने। और तुम ये क्या करने जा रहे थे? एक लौती औलाद हो इनकी, ऐसे अकेला छोड़कर चले जाओगे, कैसे रहेंगी, कौन संभालेगा इन्हें? तुम सही कह रही हो श्वेता। बस सुना आपने, आप श्वेता के बारे में इतना बुरा भला बोल रही, और वो आपकी कितनी फिक्र करती है आपको पता है? माँ, समझने की कोशिश करो आप, प्लीज। अम्मी बात तो सुनो आप। वरुण, वरुण, डोंट वरी। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम दोनों मिलके तुम्हारी माँ को मना लेंगे। मनाना तो पड़ेगा ही, वरना मेरा प्लान जो फ्लॉप हो जाएगा। इतना आलीशान घर, इतनी धन दौलत, और वरुण तुम इस सबके इकलौते वारिस, और मैं तुम्हारी पत्नी, राज करूंगी राज। ये सब करने की जरूरत नहीं, और ये मेरा घर है, मेरे किचन में पैर नहीं रखना, समझ में आई बात? सासू माँ, नाश्ता तुम्हें करना है तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है, पर मेरे किचन में नहीं। श्वेता, तुम रहने दो, मैं हमारे नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? अरे हाय, यहाँ पर कैसे हो? कैसा? आ जाओ, ये ले तुम्हारा पिज्जा। थैंक यू। अरे वरुण, तुमने बताया नहीं, हमें जैसे पता चला कि तुमने शादी कर ली है, क्या ये बात सच है? हाँ, मैंने शादी कर ली है। वाओ, सच में? कहाँ है तुम्हारी बीवी, मिलाओ ना। अभी मिलाते। ओह, श्वेता मैम आप भी आई हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो हम सब वरुण की वाइफ से मिलने आए थे। यार, अपनी वाइफ से तो मिला? यही है मेरी वाइफ। ये छिपकली कितना चिपक रही है वरुण से, कहीं ये मेरी लॉटरी की टिकट को मुझसे छीन ना ले। देख लिया सासू माँ, कैसे आपका बेटा पराई लड़की से चिपक रहा है। मुझे तो बड़ी संस्कारों की दुहाई देते हैं आप।
ये संस्कार श्वेता तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये दोस्त है। इन दोनों की दोस्ती मेरे दिल को बड़ी तकलीफ दे रही है सासुमा। और वैसे भी शादी के बाद दूसरी लड़कियों के साथ ऐसे गुलशर्रे नहीं उड़ाने चाहिए। आपको पता है आपके सुपुत्र की ये हरकतें देखकर मेंटली टॉर्चर हो रही हूं। तो समझ जाइए, अगर इस मेंटल टॉर्चर की रिपोर्ट मैंने पुलिस में कर दी ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंतर जाओगे तो नहीं। तो समझाइए अपने सुपुत्र को। ओ सासू माँ, क्या मैं ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सासू माँ, शॉपिंग करनी थी। अब आपके घर की बहू जो ठहरी, तो इस खानदान के हिसाब से अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। और सासू माँ, पूछिए मत, आपका बेटा इतना डिमांडिंग है, मैं क्या बताऊं। गर्म खून है ना, अभी अभी जवान हुआ है, तो उसके हिसाब से शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो सासू माँ, मैं क्या कह रही थी, आपका तो टाइम खत्म हो गया, तो अपनी कमर से ये चाबी का छल्ला निकालिए और अपनी बहू के हाथ में रख दीजिए। पैसे चाहिए? शॉपिंग करनी है ना? हाँ, तो अपने पैसे से करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें फुटी कौड़ी नहीं देने वाली। क्या बोला? फुटी कौड़ी नहीं देगी? नहीं, तुझे पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। डरा रही हूँ मुझसे? तो मैं तुम्हें बता दू, मैं तुमसे ना डरने वाली नहीं हूँ। फिर तुम क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? तुम जाकर मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करोगी, राइट? हाँ, तो ठीक है ना, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मेरे बेटे को तुम्हारा असली चेहरा नजर आ जाएगा, और तुमने जो अपने झूठे प्यार का जाल बिछा के रखा है ना मेरे बेटे पर, वो भी हट जाएगा। जाकर पुलिस कंप्लेन करो। ये बुढ़िया इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकने वाली, सारे पैसों पे कुंडली मार के बैठी है। पैसे निकालने के लिए कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। आप जान, मैं क्या बोल रही थी, मुझे ना पैसे चाहिए थोड़े से। क्यों? अरे छोटे मोटे इतने खर्चे होते हैं मेरे, कैसे करूं? पैसे तो चाहिए ना। लेकिन मैं तो श्वेता भी कॉलेज में हूँ, मैं पैसे कहाँ से कमाऊं? और मॉम मुझे पॉकेट मनी देती है, वो हाथ ही खर्च हो जाती है मेरे हाथ में। लेकिन आई प्रॉमिस, जब मैं कमाना शुरू करूंगा ना, उस दिन मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करूंगा, आई प्रॉमिस। अभी एक काम करो, अभी तुम मम्मी से ले लिया करो। मम्मी से? बेबी शादी मैंने तुमसे की है, तुम्हारी मम्मी से नहीं की, उनसे क्यों मांगू पैसे? और तुम्हें मेरी यानी कि अपनी पत्नी की सारी रिस्पांसिबिलिटी खुद उठानी होगी। लेकिन मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ ये बताओ। मुझे एक ही बात को 10 बार करना बिल्कुल पसंद नहीं है बेबी, मुझे पैसे चाहिए। अब तुम कहीं से भी लाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन श्वेता, मैं कहाँ से लाऊं? मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? यार वरुण, मेरे पास बस इतने ही है। मेरे पास भी बस इतने ही है, आई होप इतने में तेरा हो जाएगा। एंड मेरे पास भी सिर्फ यही है। थैंक्स यार, थैंक यू। पर वरुण, हुआ क्या? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस श्वेता को थोड़ी शॉपिंग करनी थी। यार, पर वो जानती है ना कि तू कॉलेज में नौकरी नहीं करता है, फिर वो तुझसे पैसे क्यों मांग रही है? यार वो खुद भी तो ट्यूशन पढ़ाती है। यार अब उसको काम नहीं करना है, और वो सही भी कह रही है, मैं उसका पति हूँ, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसके खर्चे मुझे उठाने चाहिए। चलो बाय। क्या? थैंक यू, बाय। श्वेता, ये लो पैसे।
अरे वाह, कितना अच्छा पति मिला मुझे। ये क्या वरुण, ये तो 2000 है, इतने में तो एक साड़ी भी नहीं आती। और तुम्हें पता है ना, मुझे चीप कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्वेता अभी इतने रख लो, बाकी मैं कुछ दिन में ले आऊंगा। तुम्हारे ये कुछ दिन पता नहीं कब आएंगे वरुण। वैसे बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मुझे पता है तुम पति होने का फर्ज कितना मन से निभाना चाहते हो, इसीलिए मैंने अपनी एक फ्रेंड से तुम्हारी जॉब की बात की है। जॉब? घबराओ मत, पार्ट टाइम जॉब है। दिन में तुम कॉलेज जाना और रात को काम करना। पर जॉब क्या है? उसकी सोसाइटी में वॉचमैन की जरूरत थी, तो मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड कर दिया। और वॉचमैन? श्वेता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? मेरा बेटा वॉचमैन की नौकरी करेगा तो बुरा क्या है इसमें? शादी करके खाली घर पे निकम्मा बैठा हुआ है, इसी बहाने से चार पैसे तो कमाएगा। जब शादी की तब पता था ना कि ये कॉलेज जाता बच्चा है, फिर भी शादी की ना। अब क्यों परेशान करियो मेरे बेटे को? मेरा पति है, मैं जो मर्जी करूं, तुझे क्या? और हाँ, अपने बेटे की इतनी फिक्र हो रही है ना तुझे, तो ठीक है, तू उठा ले मेरा खर्चा। दे चाबियां। अच्छा, तो ये सब इसलिए हो रहा था? मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहे, इस पे भरोसा ना कर, इसने जानबूझकर तुझे प्यार के जाल में फंसाया है, अब तो समझ। ए, बस बस, बंद करो अपना नाटक, चाबियां दो, देर हो रही है मुझे। तो तुम पागल हो गई हो, मम्मी से ऐसा बात नहीं कर सकती। अरे वाह, छोटे से बच्चे के मुंह में भी जबान आ गई। ये जो अपना माँ बेटे का नाटक है ना तुम दोनों का, बाद में कर लेना है। चाबियां दो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी दो चाबियां। श्वेता, तुम पागल हो गई हो, तुम क्या कर रही हो तुम ये? श्वेता, दोबारा कभी रोकने की कोशिश मत करना। ए, दे चाबियां। यार वरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारे साथ कैफे भी नहीं आया और कॉलेज से जल्दी भी चला आया। क्या हुआ वरुण, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? यार मुझे लगता है मैंने श्वेता से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? वो समझ सकती हूँ, शायद तुम दोनों की एज डिफरेंस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते होंगे। यार तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना। यार इतना आसान नहीं है छोड़ना। तो मुश्किल क्या है, तुझे सीधा जाके बोल दे कि मुझे ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी है। हाँ, और हम है ना, अगर वो मना भी करेगी तो हम समझा देंगे उसे। ओ, तो मेरी वजह से वरुण की जिंदगी बर्बाद हो रही है। श्वेता, श्वेता, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? पति पत्नी के बीच में दरार डाल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? श्वेता, इनसे ऐसे बातें मत करो प्लीज। क्यों ना करूं,
मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं दोनों, और मैं इनसे कुछ ना कहूं। और ये लड़की लट्टू है तुम पे, लट्टू। नहीं श्वेता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बस गलत फहमी है। ए चुप, कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। और एक बात ना कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे पति के आस पास भी फटके ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। आई समझ में बात? मेरे पति से दूर रहना, आ गई समझ में बात? श्वेता देखो, और तुम चलो, बहुत हो गई ऐसे भाई यार दोस्तों के साथ टाइम पास, चलो। श्वेता बात सुनो मेरी, है मैंने बोला घर चलो, मतलब चलो चल। श्वेता श्वेता, ये तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? छोड़ना चाहते हो ना तुम मुझे? श्वेता ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग ऐसे बोल रहे थे, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी ताकि जब मन करे मुंह उठा के छोड़ दो मुझे, बल्कि इसलिए की थी ताकि तुम्हारा घर जायदाद सबकी मालकिन बन सकूं। हाँ, तो जब तक मुझे वो सब नहीं मिल जाता, छोड़ने की सोच भी नहीं सकते तुम। क्या मतलब तुम? छोड़ना है ना तुमने मुझे? ठीक है, एक काम कर, सब कुछ मेरे नाम कर, अपना घर जायदाद पैसा सब कुछ। हाँ, फिर आजाद कर दूंगी तुम्हें, जहां मन करेगा ना वहां चले जाना, मेरी बला से फोन लगा, अपनी माँ को फोन लगा और उसे बोल के यहाँ पर आए प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने, फोन लगा अच्छे बच्चों की तरह अपनी मम्मी जी को फोन कर। हाँ शाबाश, ये लो। नहीं करूंगा, क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? क्या कर लूंगी? नहीं करूंगा मैं कॉल। क्या कर लूंगी बताओ तुम्हें, बताओ तुम्हें क्या कर लूंगी? हाँ श्वेता, श्वेता बताओ, बताओ तुम्हें क्या कर लूंगी? श्वेता उसे लगा, श्वेता हाथ में रहो, लगा फोन। मैं नहीं लगाऊंगा फोन। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी वो वरुण और श्वेता जी कहाँ हैं? एक्चुअली मेरी वजह से थोड़ी गलत फैमिली क्रिएट हो गई है, तो मैं बस उसे सॉल्व करने आई थी। कैसी गलत फैमिली बेटा? पर श्वेता और वरुण है कहाँ? वो दोनों अब तक घर नहीं आए, पर श्वेता जी तो उसे कब के लेकर निकल गई थी। श्वेता? पर वो तो यहाँ नहीं, बात क्या है बता, क्या हुआ? वो आंटी दरअसल वरुण काफी उदास था अपने मैरिड लाइफ को लेके। यार तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? तुझे सीधा जाके बोल दे कि मुझे ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी है। हाँ, और हम है ना पति पत्नी के बीच में दरार डाल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और वो गुस्से में आके वरुण को अपने साथ ले गई, तो हमें लगा कि वो घर आया होगा। वरुण घर नहीं पहुंचा? श्वेता, श्वेता वरुण को लेकर कहाँ चली गई? वो घर भी नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा उसका, मैं क्या करूँ? अरे वरुण बेटा, मैं कब से तुझे फोन ट्राई कर रही, तेरा फोन ही नहीं लग रहा, एक फोन तो करना चाहिए बेटा, कि मुझे कितनी फिक्र हो रही है तुम्हारी। तेरा लाडला नहीं मैं बोल रही हूँ। श्वेता, श्वेता वरुण तुम्हारे साथ है ना? हाँ हाँ यही है मेरे सामने। और अगर तुझे अपना बेटा जिंदा और सही सलामत अपने सामने चाहिए ना, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा चुपचाप करना, समझी? और हाँ, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया ना, तो उल्टा तुम दोनों माँ बेटे को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर करवा दूंगी, समझी? आंटी आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? मैंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, भगवान मैं क्या करूं, मैं तो एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकती। कितना टाइम हो गया, पता नहीं ये बुढ़िया कब आएगी। अपने पैसों की राह देख रही हो, प्यार किया था तुमसे मैंने, पर तुम तो लालची निकली, अपने दोस्तों की बात भी नहीं मानी मैंने, वो बोल रहे थे कि तुम शादी करके गलत कर रहे हो, पर तुम्हारे प्यार में पागल था मैं। ए चुप कर, हाँ कब से जो मन में आया बके जा रहा है, बके जा रहा है। चार लोगों की बातें का सुन ली, खुद को महाज्ञानी समझने लग गया है, यही प्रॉब्लम है तेरी। कान का बहुत कच्चा है, जो कोई भी तुझसे कुछ भी कहता है तू मान लेता है, हाँ यकीन कर लेता है।
इसका इलाज है मेरे पास। हाँ अभी इसका इलाज करती हूँ। श्वेता नहीं, श्वेता श्वेता दूर रखो इसको, श्वेता इसको दूर रखो प्लीज। ये जो तुम्हारा कान है ना श्वेता, नहीं ये कान ही सारी मुसीबत की जड़ है। श्वेता नहीं, कान श्वेता नहीं, कान श्वेता नहीं। मैंने तो कूलर लेके आई, पैसे दे और ले जाए इसे। तुझे पैसे चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए तुझे? हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की ऐसी हालत करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हट! इसकी अगर ये हालत कर सकती हूँ ना तो पैसों के लिए गला भी काट सकती हूँ। पैसे लेके आ जल्दी। मैं पैसे लेके आ, तुम चाकू हटा। ये पहले जो मैं बोल रही हूँ कर। नहीं जल्दी, पहले चाकू हटा। ए रुको वहीं पे, अरेस्ट करो उन्हें, लेके जाओ इसे। मेरे बच्चे भरम बेटा आगे। हेलो एम्बुलेंस। एक भयानक घटना जिसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि प्यार के साथ साथ रिश्ते में भरोसा और इज्जत भी हो, और ये तभी आता है जब आपकी और आपके हमसफर की नियत साफ हो, एक दूसरे की खूबी के साथ साथ कमी को भी स्वीकार कर जीवन में पारदर्शिता रखे, रिश्तों में ईमानदारी रखे। यही एक सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र है। वरुण का एक तरफा प्यार श्वेता के लिए जुर्म की सीढ़ी बन गया था, और उसने उसके जज्बातों का फायदा उठाकर उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए लोगों की जिंदगियां भी खराब कर दी थी। इसलिए दोस्तों हमारी गुजारिश है आप सभी से कि आप जिंदगी की रिश्ते सोच समझ कर चुने, ताकि इन रिश्तों से आपकी जिंदगी आबाद हो सके ना कि बर्बाद। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।